राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम धामी शामिल हुए। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने गर्म जोशी के साथ सीएम धामी का स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हिंदी हमारी सांस्कृतिक भावनाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों का प्रतीक है। किसी भी देश की भाषा ही उसकी संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ने में मदद करती है। हिंदी मातृभाषा ही नहीं है बल्कि हमारी सभ्यता व संस्कृति की पहचान भी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि हमारी वैचारिक निष्ठा हिंदी के प्रति रही है। हिंदी के गौरव को बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। आने वाले भविष्य के नवोदय उदयमान कर्णधार प्यारे बच्चों, मैं आपका आज इस अवसर पर, आप समेत सभी का जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको आज हिंदी दिवस की बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन्होंने भारत की समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की पहचान, हमारी एकता और अखंडता का आधार हमारी मातृभाषा हिंदी को, मैं आज इस अवसर पर सादर प्रणाम करता हूं कि निश्चित रूप से अभी हमारे सभी विद्वानों ने यहां पर बहुत शानदार उद्बोधन यहां दिया और हिंदी भाषा के उत्थान, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए अनवरत रूप से जो महानुभाव लगातार काम करते रहे हैं, लगातार अपना योगदान देते रहे हैं, आज के इस अवसर पर मैं ऐसे महान भावों को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनको भी मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये आज का दिन, यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारे गौरव का उत्सव है। और हिंदी भाषा एक भाषा नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा है और हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है और हमें विश्व स्थल, विश्व पटल पर एक विशेष स्थान दिलाया है। और ये केवल हमारे लिए केवल संवाद का माध्यम या साधन नहीं है बल्कि यह हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हिंदी ने हमारे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। जैसे विभिन्न मोतियों को एकता की माला में पिरोने का काम भी हिंदी भाषा ने किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ समन्वय की अद्भुत क्षमता है। और सच में जहां पर अनजान जगह पर भी हम लोग होते हैं, गुनगुनाते हैं, चाहे कोई दूसरा भाषी भी होगा तो हिंदी भाषा को आसानी से, वह भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। हिंदी की कीर्ति केवल केवल देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। आज दुनिया के विभिन्न